Hello student, this is my new video of the 7 ages for class 10th. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है, पहले पैराग्राफ का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था. अभी जो मैं आपको इस वीडियो में आपको दूसरे पैराग्राफ का मैं लेक्चर देने वाली हूँ. कोशिश यही करूँगी बच्चों कि आपको पूरी तरह से ये चीज़ें समझ में आ जाएँ. जिन भी बच्चों को स्कूल में प्रॉब्लम आती है, आपके कोचिंग वाली जगह में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी. तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि पहली जो लाइन है, एट द फर्स्ट द इन्फेंट मेवलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेज आर्म. देखो बच्चों, कुछ चीज़ें मैंने इसमें हाईलाइट की है. जैसे इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब क्या होगा, पहले मैं ये बता दूं कि इन चीज़ों को मैंने हाईलाइट क्यों किया है. और जब तक आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप किसी वर्ड का मीनिंग आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक आप पूरी पोएम भी आप अच्छे से पढ़ लो, पूरी पोएम आप एकदम रटा लगा लो, आप नहीं वो चीज़ अच्छे से कर सकते हो. पहले कोई भी चीज़ आपको पढ़नी हो, पहले आप उसको लिख लो अपनी कॉपी में. जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, आपको इसके अलावा और वर्ड लग रहा है कि इसका मीनिंग नहीं पता लग रहा है, आप अपने पास डिक्शनरी रखिए, उनसे मीनिंग देखिए. तो पहले जो मैंने पहली लाइन में वर्ड हाईलाइट किया है, वो है इन्फेंट. इन्फेंट का मतलब होता है बच्चों द न्यू बॉर्न बेबी, या फिर नवजात शिशु, जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है. दूसरी लाइन में देखो, मैंने मेवलिंग को अंडरलाइन किया है या हाईलाइट किया है. मिवलिंग का मतलब होता है क्राइंग वीकली, या फिर हल्के हल्के चिल्लाना. तीसरा जो मैंने वर्ड हाईलाइट किया है, वो है पुकिंग. पुकिंग का मतलब होता है वॉमिटिंग या फिर उल्टी कर रहा. नर्सेस, नर्सेस का मतलब आपको पता ही है, जो आप हॉस्पिटल जाते हैं, एक ऐसी लेडी, एक ऐसी स्त्री जो बच्चों का पालन पोषण करती है जब बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेता है. तो आते हैं अपने पैराग्राफ पे, अपने लाइन पे, कि एट फर्स्ट द इन्फेंट मेवलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेस आर्म. इसका इन पंक्तियों में कवि जो है पहली दो अवस्थाओं का वर्णन कर रहा है. और इसमें जो पहली अवस्था है, वो एक छोटे से बच्चे के रूप में है, जिसमें बच्चा जब जन्म लेता है हॉस्पिटल में, तो क्या करता है, वो नर्स की बाहों में चिल्लाता है, हल्के हल्के, छोटा सा बच्चा है, और कई बार रोते रोते उसके उल्टी भी हो जाती है. कहाँ पर, नर्सेस की आर्म, नर्स की बाहों में. देखिए बच्चों, नीचे लिखा है मैंने, देन द विनिंग स्कूल बॉय विद द सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल. अब देखो, इसमें मैंने हाईलाइट किया है विनिंग. विनिंग का मतलब क्या होता है, विनिंग का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करना. आप भी याद रखो, जब आप छोटे बच्चे होंगे तो आप भी किसी ने आपको मार दिया, किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, आप रोते रोते गए, मम्मी से शिकायत की, तो बस वही चीज़ का यहाँ पर भी बार बार उल्लेख किया जा रहा है. दूसरा है सैचल. सैचल का मतलब होता है स्कूल बैग या फिर बस्ता. फिर है क्रिपिंग. क्रिपिंग का मतलब क्या होता है, क्रिपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना. स्नेल, स्नेल आपने देखा ही होगा, एक घोंगा होता है जो बहुत धीरे 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 चलता है. तो यहाँ पर हम दूसरी अवस्था में आ रहे हैं, जहाँ पर एक स्कूली लड़के की भूमिका निभा रहे हैं निश्चय, और जहाँ पर प्रातःकाल सुबह उसका जो चेहरा है एकदम चमकता हुआ है, और अपना वो स्कूल बैग उठाए हुए है, और ना चाहते हुए भी वो स्कूल की तरफ चल पड़ता है, ठीक उसी घोंगे की तरह, ठीक उसी स्नेल की तरह, जब वो जाना तो नहीं चाह रहा है, लेकिन उसको धीरे 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 पैर घसीटता हुआ वो आगे की तरफ चल रहा है. हमारी जो लास्ट लाइन है, देखिए उसमें अनविलिंगली टू स्कूल, और अनविलिंगली को मैंने हाईलाइट किया है. अनविलिंगली का मतलब होता है नॉट विलिंग, या फिर ना चाहना. इसका मतलब यह है कि बच्चा जो है ना चाहते हुए भी स्कूल के लिए जा रहा है, जिसमें उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसको उतने डिसिप्लिन में रहना, चीज़ें पढ़ना, वो बचपन ऐसा होता है कि जहाँ बच्चा अपने मन की करना चाहता है, और यहाँ पर अब उसको टीचर की बात माननी पड़ेगी, अपना रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, घर में पेरेंट्स बोलेंगे कि बच्चों होमवर्क करो, वो करना पड़ेगा.
तो ये सब चीज़ें वो नहीं करना चाहता है, जिस कारण वो ना चाहते हुए भी ऐसे काम करता है जो वो नहीं चाहता है। तो ये था मेरा दूसरा पैराग्राफ, उम्मीद करती हूँ आपको ये बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है।